हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट के बैलेंस को बिना बैंक गए मिस्ड कॉल या एसएमएस के थ्रू कैसे जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप अपने मोबाइल से ही बैंक बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए आल बैंक, आल बैंक। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए आल बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पे देखिए, बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पे आ गया, आल बैंक बैलेंस इंक्वायरी। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ और आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टार्ट मैं कर ले रहा हूँ। तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। और देखिए, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपना बैंक। देखिए, यहाँ पर ये पूरे बैंक के नेम है, जो भी आपका बैंक हो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चूज कर ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया और यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक, तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ इस पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर शो हो जा रहा है बैंक बैलेंस के लिए यहाँ पर। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कॉल करेंगे तो बस दो बार घंटी जाएगी, उसके बाद कट जाएगा। और कटने के बाद फिर तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और आप मिनी स्टेटमेंट में आपको 5 बार ट्रांजैक्शन दिखाता है कि 5 बार कितनी बार आप निकाले हैं और कितना मतलब जमा किए हैं। और देखिए, कस्टमर केयर का नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर के पास जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप बता सकते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरे बैंक का चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सेंट्रल बैंक का चेक कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक पे क्लिक करके यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद बैंक बैलेंस आ गया, उसके बाद कस्टमर केयर का नंबर आ गया। तो इस पर जैसे मान लीजिए मैं बैंक बैलेंस पे चेक कर रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा इस पर फ़ोन वाले पे। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ़ोन जाने लगा। और फोन जाने के बाद फ्रेंड ये अपने आप कट जाएगा और कटने के बाद मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने बैंक बैलेंस की जानकारी आप तुरंत पा सकते हैं केवल मोबाइल से। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए फ्रेंड, पहली बात ध्यान दीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये सब नंबर आपको सर्च करते हैं, आपके पास नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बैलेंस की इंक्वायरी के लिए, कहाँ से वो नंबर लूँ। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के द्वारा आपके जितने भी अकाउंट होंगे उस सारे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस चेक करने की पूरी मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है, मिनी स्टेटमेंट भी दिया, कस्टमर केयर का है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने बैंक बैलेंस की जानकारी रख पाएंगे केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन से। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, टाटा बाय बाय।